नमस्कार, जबलपुर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले शहर खुले में शौच से मुक्त है या नहीं, यह देखने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की ओर से आए प्रतिनिधि ने शुक्रवार को शहर का सर्वे किया। उनके सर्वे में शहर के स्कूल भवन से सबसे ज्यादा निशाने पर रहे। यहां उन्होंने साफ सफाई से लेकर सेप्टिक टैंक तक का निरीक्षण किया। दिन भर निरीक्षण के बाद शाम को वापस दिल्ली लौट गए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के तहत शहर की साफ सफाई व्यवस्था को सुधारने में जुटे निगम अमले ने शुक्रवार को एक बार फिर दुकानों में डस्टबिन की जांच की और 40 दुकानदारों से 40,000 रुपए स्पॉट फाइन वसूला। यह कार्रवाई सिविक सेंटर और मेडिकल क्षेत्र में की गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 का प्रचार प्रसार करने कपिल शर्मा के मशहूर टीवी शो कॉमेडी नाइट में गुत्थी का किरदार निभाने वाले सुनील ग्रोवर 7 जनवरी को शहर आ रहे हैं। वह 7 को ज्ञानगंगा कॉलेज में अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों को गुदगुदाएंगे। वहीं 8 जनवरी को वह सफाई देखने लोगों के घर पहुँचेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य के जन जागरण और शंकराचार्य की मूर्ति के लिए धातु संग्रहण करने के लिए निकाली जा रही एकात्म यात्रा शनिवार को शहर में प्रवेश करेगी। भाजपा नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर ने बताया कि दोपहर 12 बजे बिरसा मुंडा चौक से एकात्म यात्रा का प्रवेश शहर में होगा। यहां से यात्रा रद्दी चौकी, दमोहनाका, मिलोनीगंज चौक होते हुए ग्वारी घाट के उमा घाट पहुँचेगी। राजस्व के मामले दर्ज करने और उनके निराकरण के आधार पर की जाने वाली श्रेणी में रायसेन और जबलपुर के राजस्व न्यायालय अव्वल आए हैं। रायसेन के तहसीलदार न्यायालय ने जहां सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए, जो अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय जबलपुर ग्रामीण निराकरण में सबसे आगे रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार। जनावन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।